में किसी किस्म की कोई बात नहीं है, तो हम लोगों को खेल को खेल की तरह ये खेलना चाहिए। इस वक्त यहाँ पर खेल शुरू हो हुआ है और जो तो हम अभी अभी अमारियों की और फुटबॉल शौकीन की हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पे अभी अभी तशरीफ लाए, हम इनका अस्तहदिल शुक्रिया अदा करते हैं। एग्जीक्यूटिव काउंसलर जिला सैयद अब्बास रेफरी थोड़े से निराश यहाँ जरूर रहे, कोशिश यहाँ की थी, अगर इस तरह की कोशिश यहाँ करते हैं आरएलसी के खिलाड़ी यहाँ दबाव बना सकते हैं एफसीपीएम के ऊपर। अब एफसीपीएम के खिलाड़ी भी क्या करते हैं आखिरी लम्बों में वहां कॉर्नर पे कोई भी खिलाड़ी दो मेहमान पहुंच चुके हैं जनाब। एग्जीक्यूटिव काउंसलर सैयद अब्बास जोसेफ और हमारे डिस्ट्रिक्ट जनाब मोहम्मद सिंह रहनवा साहब शुक्रिया अदा करते हुए एफसी भारत के सभी मेहमान साहबान सामने सामने स्पॉन्सर भाई रिबॉक हरी हनीफा एक्सप्रेस इमरान सहारा सुनहरी और एजाज को धन्यवाद करते हैं समूह स्पॉन्सर का एफसी भारू। और वही दूसरे जाने यूथ जो है हमारे जवान वो गर्व तक सीमित रहे, तो आज ये इस साल इंशाल्लाह हालात जो है हमारे बेहतर हुए उसका फायदा लेते हुए उन्होंने ये शानदार टूर्नामेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया और हमारे जो जवान हैं हमारे यूथ हैं उनको खेलने का और अपने टैलेंट का जो यहाँ पे नुमाया शो करने का उनको मौका दिया। मैच हालांकि मैंने सेकेंड हाफ ही देखा, बहुत ही बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया दोनों टीम ने, तो अच्छे हार और जीत ये होते ही रहता है, तो आखिरकार लास्ट में जो जीता वही सिकंदर। मैं पॉइंट के टीम भी मैं फरूख के टीम को भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि बहुत जो है फरूख के टीम ने किया, लेकिन उन्होंने उनको हार, लेकिन ये हार और जीत होते रहता है, हिम्मत नहीं हारना है इंशाल्लाह इस साल नहीं तो अगले साल से ही। बाकी रहा आपको इंशाल्लाह कौन सा भरू का, मैं उनको एक बार फिर मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा और मैं उनको अपनी तरफ से मेरी पैसे का जो है ऐलान नहीं कहूंगा, लेकिन इंशाल्लाह मैं ये मेरा उनसे कमिटमेंट है कि वो मुझसे मिलेंगे और मैं अपनी तरफ से जितना उनको पिछले साल मैंने दिया उसे बार करने दे दूंगा, तो उनको जो मेंबर्स है वो मेरे से आके जरूर मिलेंगे। हुसैन मुख्तार मंसूर सईद लिया